नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। मोदी जी कल फिर आए थे, देश को संबोधित किया और वो दिव्य ज्ञान देके चले गए जो आज तक किसी भी भारतीय को पता नहीं था। क्या दिव्य ज्ञान देके गए? ये वाला। हम उस मौसम में भी प्रवेश कर रहे हैं जहां सर्दी, जुखाम, खांसी, बुखार, ये सारे न जाने क्या क्या होता है। धन्यवाद मोदी जी, हमें तो पता ही नहीं था जुलाई में बारिश होती है और बारिश के बाद सर्दियां चालू हो जाएंगी और इसी बीच में त्योहार भी आता है। हमें तो कल आपने बताया तब जाके पता चला और मुझे पूरी तरह से विश्वास है देश के 135 करोड़ 130 करोड़ आबादी को भी कल ही पता चला कि जुलाई में बारिशें होती हैं, उसके बाद सर्दियां शुरू होती हैं। आप लोग जिस तरह से देश चला रहे हैं और हर दिन एक नया नया मनोरंजन देश के सामने प्रस्तुत हो रहा है। भले टिकटॉक बैन हो गया है तो क्या हुआ, मोदी जी अभी भी हैं अपनी मन की बात कहने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। देश में एक प्रधानमंत्री के तौर पे आप भले ही असफल रहे हो, लेकिन देश की जनता को अपने मनोरंजन में बांधे रखने में आपसे ज्यादा सफल व्यक्ति इस देश में, इस धरती पर हो ही नहीं सकता है। एक खुशखबरी आज मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, खास तौर पर के भारतीय जनता पार्टी के और उनके जो सोशल मीडिया के जो अंधभक्त हैं उनके लिए तो इतनी बड़ी खुशखबरी है कि बेचारे आज पूरी रात वो सो नहीं पाएंगे खुशी के मारे। जिस बाबा रामदेव को ये अपने कंधों पे बिठा के पूरे विश्व का, ब्रह्मांड का चक्कर के दौरे पे ये अपना विजय जल्लोष मना रहे थे कि बाबा जी ने कोरोना की दवाई बना ली है, आज उसी बाबा जी ने अपना खड़ाऊ निकाल के, अपना जूता निकाल के इन्हीं अंधभक्तों के मुंह पे दे मारा है। और इतना खकारी मार के इन्होंने, बाबा रामदेव ने इन अंधभक्तों के मुंह पे थूका है कि उसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। जिसे ये कोरोना की दवाई समझ के इतना गौरवान्वित महसूस हो रहे थे, बाबा की जय जयकार लगाए पड़े थे, वो तो साला इम्यूनिटी बूस्टर करके निकला और ये बाबा रामदेव खुद इसका आज आके उन्होंने पलटी मारी है कि हमने कोई कोरोना की दवाई नहीं बनाई। बेचारे इनको कोई हक नहीं है अंधभक्तों को इस तरह से गालियां खिलाने का। ये इतनी मेहनत से आपका प्रचार प्रसार करते हैं और आप ही आके इनके मुंह पे जूता मार के चले जाते हैं और उसके बाद अंधभक्तों को हम जैसे जो लोग बैठे हैं वो तबीयत से लेते हैं। नकली इंसान हमेशा नकली ही होता है, चाहे वो किसी भी वेशभूषा में हो। आपने कल भी देश को बेवकूफ बनाया था, आज भी आप बेवकूफ बना रहे हैं और आने वाले कितने ही भविष्य तक आप देश को बेवकूफ बनाएंगे। फर्जी फर्जी दवाइयां, फर्जी फर्जी सामान निकाल के आप देश की जनता को आयुर्वेद और धर्म के नाम पे लूटते आए हैं बाबा रामदेव जी। आपकी हकीकत अब देश के सामने है कि आपने कोरोना की दवाई बनाई ही नहीं है और इसको देखते हुए कितने ही अंधभक्त अपने मुंह पे गिर गए। बेचारे वो हम लोगों को कैसे झेल पाएंगे, हम लोग तो तबीयत से लेने वाले हैं। अब तो उनकी हालत सोशल मीडिया पे देखने लायक होगी। दूसरा, आज जिस तरह से मोदी जी आके संबोधित करके चले जाते हैं, हर एक मध्यम परिवार को ये अपेक्षा होती है कि मोदी जी आएंगे और मिडिल क्लास परिवार के लिए कुछ न कुछ कह के जाएंगे। वो आते हैं 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं, 1 किलो चना दाल, 1 किलो दाल दे के चले जाते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि बच्चों की स्कूल की फीस के लिए स्कूल से प्रेशर है। वो भूल जाते हैं कि घर का भाड़ा देने के लिए मकान मालिक सर पे बैठा हुआ है। वो भूल जाते हैं कि राशन वाले का बिल बकाया चल रहा है। दोस्तों से, मित्रों से उधार लेके, परिवार के लोगों से उधार लेके, रिश्तेदारों से उधार लेके वो घर चला रहे हैं, उसके लिए कोई व्यवस्थाएं मोदी जी नहीं कर पाते हैं। यहां तक कि इस समय देश के अंदर डीजल पेट्रोल के भाव बढ़े हुए हैं। डीजल का भाव बढ़ने के कारण जो हमारी आर्थिक हालत है वो धीरे धीरे खराब होते जा रही है, सामानों की कीमत बढ़ने लगी है और इसका असर सीधे सीधे आम जनता पे पड़ेगा। और मैं आपको दावा कर सकता हूं कि जिस तरह से अंधभक्त अपने अंधभक्ति में लीन है, उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, अभी आग उनके घरों तक पहुंच गई है। और उसी का असर ये हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रस्ते पे उतरकर भारतीय जनता पार्टी का डीजल और पेट्रोल के भाव को लेके विरोध प्रदर्शन नाचते गाते हुए किया है। ये एक तरह से उनकी आंखें खुली हैं कि वो अभी तक 2014 और 2019 में उन्होंने क्या गलती की है, देश के साथ इतना बड़ी उन्होंने धोखा दिया है जिसकी सजा भुगत रहे हैं, आज उनका परिवार भी भुगत रहा है। उसको देखते हुए बहुत ही कम तादाद ही सही, लेकिन उन भाजपा के कार्यकर्ताओं को ये समझ में आया है कि देश की जो लगाम है वो गलत हाथों में दी है। और देखिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं,
बढ़ते हुए डीजल और पेट्रोल के दामों का। काश यही हालत अब धीरे धीरे, जैसे महंगाई और डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, आने वाले समय में रस्ते रस्ते इस तरह के लोग निकल के विरोध प्रदर्शन करेंगे। और ये मोदी जी की मेहनत है, 18-18 घंटे की मेहनत है, और उसके वजह से आज ये मुकाम पे पहुंच पाया है। आपको अगर गुजरात की हालत बताऊं तो गुजरात में लोग रस्ते पे निकल के मोदी जी का जय जयकार कर रहे हैं। गुजरात मॉडल की इतनी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं कि वो आप समझ नहीं सकते हैं। वहां के मुख्यमंत्री रूपाणी जी का तो हालत इस कदर से है, न वो अपने कार्यालय से निकल पा रहे हैं, न घरों से निकल पा रहे हैं। ये देखिए गुजरात मॉडल। अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए, ये जो महंगाई की जो मार है, बिजली बिल की मार है, आर्थिक तंगी की जो हालत है, ये हर घर तक पहुंचेगा। हर भारतीयों को इसका एहसास होगा कि उन्होंने 2014 और 2019 में कितनी बड़ी गलती की है। हम जैसे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो आप लोगों को जागरूक करते रहेंगे। हमने बार बार आपको चेताया, लेकिन आप अपने भक्ति में लीन थे। अब आपकी आंखें खुलेंगी और हम लोग बैठ के आपका विरोध प्रदर्शन देखेंगे कि जब आपके घरों में आग लगी है तब जाके आपकी आंखें खुली हैं। हम यही नहीं चाहते थे कि आप लोगों तक ये बात पहुंचे। ये जो दुख की पल है, ये जो गरीबी के पल है, ये जो आर्थिक बोझ है, आप लोगों के घरों तक न पहुंचे। इसके लिए हम जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं अपनी जान जोखिम में रखते, कभी भी हमें गिरफ्तार कर लिया जाता है, कभी भी हमें रासुका के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकती है, उसके बावजूद हम आपको जागरूक करते हैं, अपने जान अपने परिवार को खतरे में डालते हुए। और मैं आशा करता हूं कि आज नहीं तो कल देश की जनता ये जरूर समझेगी कि आप लोगों ने कितनी बड़ी गलती 2014 उसके बाद 2019 में की है। अभी भी समय है, चेत जाइए, देश को बर्बाद होने से बचा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आम जनता का सहयोग की जरूरत है। मैं आप लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने सहयोग राशि भेज के उन गरीब दिवंगत परिवार के लोगों को राशन और भोजन उपलब्ध कराने में हमें मदद की है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं अभी तक 218 परिवारों को हम लोगों ने एक महीने का राशन दिया है प्रत्येक परिवार में, चाहे उनके घर में पांच सदस्य हो चाहे 10 लोग हों, प्रति व्यक्ति के हिसाब से हम लोगों ने 218 परिवारों को और ये राशन पहुंचाया है। और उसके लिए आप लोगों तमाम लोगों को मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इसमें सहयोग किया। अगर अभी भी आप इसमें मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम, गूगल पे और फोन पे नंबर 9594394948 पर अपना अनुदान भेज सकते हैं। आपके भेजे गए एक एक रुपए से किसी जरूरतमंद परिवार को राशन और भोजन मिल सकता है। अगर आप यूपीआई ट्रांसफर करना चाहते हैं तो यही नंबर है 9594394948 @UPI, आप इस पे भेज सकते हैं। मैं आप तमाम लोगों को धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं ये जानकारी आप सभी भारतीय तक पहुंचाएंगे, और इसी साथ मैं आगे भी इस तरह की चीजें लाते रहूंगा। आप लोगों का साथ और प्यार इसी तरह बना रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।